Hello guys, welcome back to my channel, and today I'm going to start with a new poem from the book Beehive, and the name of the poem is A Legend of Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. सबसे पहले इस poem के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि एक से एक लेडी है, लेडी के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ पे रहती थी, नॉर्थलैंड के अंदर रहती थी, और उसने क्या किया था सेंट पीटर को. सेंट मतलब एक संत थे जो मतलब जैसे चर्च के अंदर होते हैं और अपन जैसे नॉर्मल हिंदू लैंग्वेज में अगर बोलें तो ऐसे लोग जो रिलीजन की बातें करते हैं, जो अच्छी बातें इस दुनिया में फैला रहे होते हैं, जैसे पंडित और जैसे चर्च के अंदर होते हैं, ठीक है, वैसी चीज़. तो वो सेंट पीटर को उसने क्या दिलाया था, गुस्सा दिलाया था. और वो गुस्सा उन्होंने क्यों दिलाया था उस लेडी ने, उसके उनके किसी ग्रीड के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, ठीक है. अवे अवे मतलब कहीं बात करी गई है नॉर्थलैंड की, कि वहाँ पे सबसे पहले पोएट ने फर्स्ट पैरा के अंदर यही बताया है कि नॉर्थलैंड के अंदर डेज कैसे होते हैं और नाइट्स कैसी होती है. सो वहाँ पे आवर्स कम्स होता है, मतलब जो डे आवर्स होते हैं, जो डे टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और जो नाइट्स होती है वो इतनी लंबी होती है जैसे उनको सो ही नहीं सकते, वो इतनी बड़ी होती है, ठीक है. नेक्स्ट पैरा, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर्स टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, ठीक है. नेक्स्ट पैरा है आपकी पोएम का, और इसमें पोएट ये बता रहे हैं कि जो रेनडियर्स हैं उनको कहाँ से बांधते हैं, स्लेजेस से बांध लेते हैं जिससे उस स्नो पे चला जा सके, और उस टाइम पे बच्चे किस तरीके से लग रहे होते हैं, बियर्स कप्स मतलब भालू के बच्चे जैसे लग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने फरी क्लोथ्स पहने होते हैं और वो फनी लग रहे होते हैं कि इतने फरी क्लोथ्स पहने होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पैरा, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. सो पोएट यहाँ पे ये बोलिए कि अब मैं आपको एक ऐसी टेल बताती हूँ, ठीक है, बट मैं नहीं मानती कि वो टेल ट्रू है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको एक लेसन सीखने को उससे मिल जाएगा. तो अब पोएट क्या टेल बता रही है हम आगे पढ़ेंगे. वंस वेयर द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, ठीक है. प्रीचिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी बातें करना, ऐसी रिलीजियस बातें करना जो अपन हर जगह फैला रहे हैं, ऐसे रिलीजियस एड्रेस टू अ ग्रुप, इसका मतलब लिख लेना आप लोग कहीं पे, रिलीजियस एड्रेस टू अ ग्रुप मतलब अच्छी अच्छी बातें करना जैसे पुजारी लोग करते हैं, चर्च के अंदर होता है, ठीक है, वैसे वाली चीज़ें. सो जस्ट एज ही डिड यू नो, और हमको पता है कि सेंट पीटर यही करते थे, वो प्रीचिंग करते थे, वो जगह जगह अच्छी बातें बताते थे टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू रिलीजियस थिंग्स बताते थे टू पीपल, ठीक है, ऐसे मान लो. और जस्ट एज ही डिड यू नो हो गया ये वाला पैरा. नेक्स्ट, ही केम टू अ डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, ठीक है. वो कहाँ पे आके रुके, वो एक ऐसे कॉटेज डोर पे आके रुके जहाँ पे एक औरत क्या कर रही थी, केक्स बना रही थी और वो उनको बेक कर रही थी. हर्थ का मतलब क्या होता है, द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, ठीक है. तो वो उस फायर प्लेस के फ्लोर पे अपने केक्स को रख रही थी जिससे वो बेक हो जाए, और वो वहाँ पे बना रही थी. एंड बींग फेंट विथ फास्टनिंग, नेक्स्ट पैरा, एंड बींग फेंट विथ फास्टनिंग मतलब फेंट का मतलब होता है चक्कर आना, और फास्टनिंग का मतलब होता है भूखे रहने के कारण. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. और उस सेंट पीटर ने उस वुमेन से क्या रिक्वेस्ट करी कि तुम इतने सारे केक बना रही हो तो मुझे एक दे दो, क्योंकि उनकी हालत कैसी हो रही थी, वो पेल हो रखे थे और वैसे फेंट हो रहे थे, मतलब मैं लिखा हुआ है बींग फेंट विथ फास्टनिंग, और भूख के कारण उनको इतने चक्कर आ रहे थे. तो उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की कि जस्ट गिव मी अ सिंगल वन. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड दो इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. अब उस वुमेन ने एक केक बेक करा जिससे वो उसको दे सके सेंट पीटर को, लेकिन जब उसने बेक करा तो वो उसको कैसा लगा, बहुत बड़ा लगा, टू गिव अवे. तो उसका मन ऐसा हो गया कि इतना बड़ा केक मैं कैसे दे दूँ, या इतना बड़ा मैं कैसे दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकती. देयरफॉर
She needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. और उसने फिर एक और बनाया, ठीक है, एक और नीड का मतलब होता है आपका डो, ठीक है, नीडेड का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, देयरफॉर शी नीडेड अनादर, उसका मतलब होता है डो, ठीक है, डो क्या होता है, अपन का आटे का जो होता है ना, जो केक के लिए वैसा, ठीक है. तो उसने एक और छोटा स्मॉलर डो लिया, अब के टाइम पे उसने छोटा डो लिया और उसको बेक किया, लेकिन टर्न इट ओवर, और जैसे ही उसने उसको टर्न किया, वो उसको उतना ही बड़ा लगा जितना उसको फर्स्ट लगा. तो वापस उसका दिमाग ऐसा हो गया कि मैं इसको इतना बड़ा पीस कैसे दे सकती हूँ, मैं इसको ये वाला पीस भी नहीं दूंगी. और सेंट पीटर उसकी ये सारी हरकतें वॉच कर रहे थे, देख रहे थे. एंड शी टुक अ देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, ठीक है. अब उसने क्या किया, एक एकदम छोटा सा टाइनी डो का वो लिया रोल, और उसको ऐसा फ्लैट किया, और उसको एक वेफर की तरह उसने बेक किया. बट अब उससे वो भी नहीं दिया जा रहा था सेंट पीटर को, बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, मतलब वो उसको वो भी नहीं दिया जा रहा था. फॉर शी सेड माई केक्स, अब उसने क्या लाइन बोली है इस पैराग्राफ में सुनना, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्स आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, ठीक है. जब मैं केक्स को खुद खाती हूँ तो वो मुझे इतने छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं उन किसी को देती हूँ तो वो मुझे कैसे लगते हैं, बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए मैं उन सबको उठा के शेल्फ पर रख देती हूँ. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब ये सारी हरकतें देखने के बाद, जब उससे वो छोटी सी टाइनी वेफर भी उससे नहीं दी गई, तो अब किसको गुस्सा आता है, सेंट पीटर को गुस्सा आता है. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पहले तो उनको वैसे बहुत भूख लग रही थी, सुबह से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, और भूख में से चिड़चिड़ाहट में उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था. एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी वुमेन, एक ऐसी औरत बहुत थी, मतलब इनफ थी टू प्रोवोक, मतलब किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, किसी चीज़ को जागरूक करने के लिए, मतलब किसी चीज़ के, मतलब किसी के अंदर कुछ चीज़ उठाने के लिए. तो उन्होंने उसका अंदर क्या करा था, गुस्सा जगाने के लिए, सॉरी, प्रोवोक का मतलब होता है जगाना, तो गुस्सा जगाने के लिए वो बहुत था ऐसी वुमेन, ठीक है. और अब वो गुस्से में उसको एक कर्ज देते हैं, ठीक है, तो क्या था, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वॉर्म, और उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा है, तुम एक बहुत सेल्फिश औरत हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म डिज़र्व नहीं करती टू हैव बोथ फूड और शेल्टर, तुम डिज़र्व नहीं करती क्योंकि तुम्हारे पास दोनों है, और ये सब चीज़ें जो तुम्हें मिला है एक्चुअली वो तुम डिज़र्व नहीं करती क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो. एंड फायर टू कीप यू वॉर्म, और तुम्हारे पास आग है जो तुम्हें इतनी ठंड में गर्म रखती है, सो यू जस्ट डोंट डिज़र्व दिस, ठीक है. ये सब कौन बोल रहा था, पीटर. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड All day in the hard dry wood, ठीक है. और उसने उनको क्या कर्स दिया, क्या उसने उनको ऐसे गुस्से में बोला कि अब तुम एक बर्ड की तरह रहोगी, सारा टाइम खाने को ढूंढती भी, और तुम क्या करोगी, सारा टाइम खोदती रहोगी. कहाँ खोदती रहोगी, एक ड्राई हार्ड वुड के अंदर खोदती रहोगी पूरा दिन अपने खाने के लिए. सो उन्होंने ये उसको ऐसे अभिशाप टाइप्स दिया, ठीक है. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर एंड शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो चुपचाप अपनी चिमनी के पास चली गई अपने घर के अंदर बिना एक शब्द बोले, और जैसे ही वो उस चिमनी से बाहर निकली तो वो कैसी टर्न हो गई थी, एक वुड पैकर, मतलब जैसे ही वो चिमनी के पास पहुंची तो वो टर्न हो गई थी वुड पैकर, और फिर वो चिमनी से बाहर निकली थी एज अ वुड पैकर, ठीक है. फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, और वो कैसी बन चुकी थी, एक बर्ड की तरह. She had a scarlet cap on her head, ठीक है, उसके पास एक scarlet cap थी उसके सर पे, and that was left the same, ठीक है, क्योंकि उसने जैसी cap पहन रखी थी और वो वैसी की वैसी थी, but all the rest of her clothes were burned, बाकी सारे जो उसके कपड़े थे वो सब कैसे थे, जल चुके थे, black as a coal in the flame, ठीक है, और वो कैसी हो चुकी थी, पूरी काली पड़ चुकी थी कोल की तरह, क्योंकि वो फ्लेम था वहाँ पे चिमनी का उस चक्कर में.
And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. ठीक है, लास्ट पैरा है ये आपके पोएम का, और इसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ के हर स्कूल बॉय ने उस वुड पैकर को वुड्स के अंदर देखा था. ठीक है, शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, और आज तक भी वो उन वुड्स में वहाँ पे है, और वो क्या कर रही है, अपने फूड के तलाश में कंटिन्यूसली अपनी लंबी चोंच से वुड पे मार रही है जिससे उसको खाना मिल सके. सो दिस वॉज योर पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रिटन बाय फीबी कैरे. ठीक है, एंड आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो, और आपको अगर कोई भी चीज़ में डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.